लोग देखेंगे कि जो पेन का इंक है ये बैक साइड से क्यों नहीं निकल जाता, जबकि ये बैक साइड से ओपन होता है, ऐसे करते हैं फिर भी ये पेन का इंक हमारा नीचे की ओर नहीं आता है। तो इसके पीछे का क्या साइंस है, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं ड्रॉपर के बारे में। यह काम आता है जो ड्रॉपर होता है, छोटे बच्चों को मेडिसिन लेने का काम आता है, और यहाँ पे लैब में भी होता है, जैसे वहाँ पे वर्क है वैसे ही भी यहाँ पे वर्क होता है। फिर देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट के नाम पे ये क्या है कि रबर है, और इसे बोलते हैं हम लोग रबर बॉल, और ये जो है ग्लास ट्यूब है, और ये है नोजल। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है, तो वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कंप्रेस करते हैं और पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर छोड़ते हैं, और जैसे ये कंप्रेस को छोड़ते हैं ये क्या होता है पानी अंदर की ओर आ जाता है। देखिए वाटर पूरा अंदर की ओर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ओपन है, ओपन होने के बावजूद भी पानी क्या है नीचे की ओर नहीं गिर रहा है, ये जो लिक्विड है नीचे की ओर नहीं गिर रहा है, और इसे हमको नीचे की ओर गिराना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, देखिए गिर रहा है, गिर रहा है। तो जब प्रेस कर रहे हैं तो पानी नीचे गिर रहा है, और फिर इसमें पानी ऊपर कैसे आ जा रहा है, और ये ओपन होने के बावजूद भी वाटर नीचे की ओर क्यों नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जैसे हम इसको दबाएंगे इसमें का टोटल एयर बाहर की ओर निकल जाएगा। जैसे दबाएंगे एयर, देखिए दबाएंगे एयर बाहर की ओर निकल, जैसे दबाएंगे एयर बाहर की ओर, दबाएँ एयर बाहर की ओर, और अगर इसको हम ब्लॉक करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो अंदर एक छोटा सा एक वैक्यूम क्रिएट होगा, या इसको बोल सकते हैं बहुत लो प्रेशर। अब फिर क्या करते हैं, जैसे हम इसको दबाते हुए अंदर की ओर ले जाते हैं पानी के अंदर, और इसको छोड़ते हैं, तो वाटर क्या होता है ऊपर की ओर आ जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर प्रेशर लो था। क्यों था प्रेशर लो, क्योंकि एयर ऑटोमेटिक बाहर निकल गया था, एयर बाहर निकलने से क्या हो गया था प्रेशर अंदर का लो हुआ था, और ये बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो कि दबा रहा है, तो अंदर से क्या होगा वाटर इसमें अंदर की ओर चला आता है। और फिर देखिए ये तो अभी तो ओपन होल तो ओपन है, यहाँ पे बंद तो किए नहीं है, फिर भी वाटर क्या है नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। ये ना क्यों नहीं नीचे आ रहा है, देखिए अब एक एटमोस्फेरिक प्रेशर अंदर की ओर लग रहा है, यहाँ से जो भी एटमोस्फेयर है हमारा प्रेशर लगा रहा है अंदर की ओर, और इधर से दोबारा कोई प्रेशर लगाने वाला नहीं है। जैसे कोई प्रेशर लगाना नहीं है, इधर से ही अंदर प्रेशर लग रहा है, तो वाटर क्या है नीचे की ओर नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको खोलेंगे, देखिए टोटल वाटर नीचे गिर जाएगा, और फिर अगर इसको हम बंद करते हैं, फिर अगर करते हैं देखिए, और फिर हटाएंगे, फिर वाटर नीचे की ओर गिर जाएगा। क्यों गिर जा रहा है, क्योंकि अब इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर दोनों साइड से तो बराबर है, बट ग्रेविटी कारण ये वाटर नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, उसमें तो ग्रेविटी लग रहा था, बट उसमें भी ग्रेविटी लग रहा था, बट प्रेशर क्या कर रहा था काउंटर बैलेंस करके उसको वहीं पे रोके हुए था। ये भी जैसे रिफिल है, इसी के जैसा ये भी है सेम स्ट्रक्चर। और हम क्या करेंगे, इसमें इंक के जगह क्या डालेंगे, वाटर डाल के देखेंगे। तो होता क्या है, जैसे हम इंक के जगह क्या करते हैं वाटर डालते हैं, इसमें क्या करते हैं वाटर को फिल करते हैं। वाटर को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से वाटर को फिल करेंगे। वाटर हमने यहाँ तक फिल कर दिया, और ये जैसे हमारा क्या है ये बंद है, और हमको देखेंगे ऐसे गिरा के ऐसे इधर की ओर पलट के देखते हैं। देखिए जैसे पलटेंगे क्या होगा, मेरा वाटर क्यों नीचे की ओर नहीं गिरेगा पानी, क्योंकि हम क्या किए इधर से बंद किए हैं। सेम इसमें भी क्या होता है, सेम इसमें भी क्या होता है, इधर से क्या होता है हमको, इधर से हम लोग ब्लॉक किए होते हैं, इधर से हम नीब से क्या किए इसके, इससे क्या किए हुए हैं हम इससे इसको ब्लॉक किए हुए हैं, और ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, एक साइड से ब्लॉक होता है तो प्रेशर बस अंदर से लगता है, जो कि ऐसे भी करने से किधर भी करके रखते हैं तो पेन क्या इंक जो होता है नीचे की ओर नहीं गिरता है। ये सिंपल सा साइंस है।